हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, जिनको हम फॉर्मूले भी बोल देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा ना, ये फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ और इन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 2.5 के। जो 16 क्वेश्चन है बेटा, वो हम करेंगे आज, है ना, इस वीडियो लेक्चर में। और ये वाले क्वेश्चन जो है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन कि 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है बेटा ना, इनको अच्छे से समझना है, याद करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए हर आइडेंटिटी को, जब भी हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है बेटा। ये आइडेंटिटी अगर याद होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे सारी की सारी, यानी 8th जो आइडेंटिटी है अगर वो आपको याद होती है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे बेटा ना। फर्स्ट जो लिखी हुई है बेटा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अगर ये आइडेंटिटी अगर आपको याद इस तरीके से कर सकते हो, आप बार बार लिख के ना बेटा, कॉपी में आपने लिखनी है मिनिमम 5 टाइम्स, है ना। आप फिर नोटबुक में ये जो है सारी की सारी आइडेंटिटी लिखोगे बेटा ना, देख के समझ के, इनमें से कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो ना। ये आइडेंटिटी मैंने पहले भी बता दी थी, एक बार फिर से लिखी है ताकि आपको याद रहे ना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा सीधे ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ बेटा आइडेंटिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका एक्सरसाइज 2.5 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी का, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, है ना। तो पहली आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 10, है ना। तो एक तरह से अगर इसको मैं कंपैरिजन करूँ ना, कौन सी आइडेंटिटी से, ये लिखा हुआ x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, है ना। तो ये अगर आपको याद हो तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, है ना, इंटू एक्स प्लस ए बी। एक तरह से ये आइडेंटिटी है कुछ भी नहीं, अगर ये प्रोडक्ट दे रखा ना बेटा, इनको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया ना, जैसे एक्स इंटू एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेस इक्वल है तो पावर एड होगी ना, बट इनकी पावर 1-1 है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स को फिर बी से, फिर इस ए को एक्स से, ना फिर इस ए को बी से, ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपली आइडेंटिटी ये बनती है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो एक्स जो है, एक्स तो एक्स है ना बेटा, और ए की जगह 4 आ गया और बी की जगह 10 आ गया ना। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ, यानी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 जो है बेटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, ऐसे सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, है ना, 40। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसका ये आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में यहाँ पे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो वैसे सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे अगर आइडेंटिटी का यूज करना है तो आप इस तरीके से लिखोगे बेटा x प्लस 8, और इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस और ब्रेक में माइनस 10, है ना, तो प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस ही होगा ना बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे। तो अगर मैं जनरल आइडेंटिटी से कंपेयर करूँ x प्लस ए और x प्लस बी से, तो यहाँ पे ना बेटा a की वैल्यू कितनी है, 8 है, और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगी। तो इसको अगेन मैं वही आइडेंटिटी यूज करूँगा जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, a कितना यहाँ पे 8 है ना, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 8 है, b कितना है बेटा यहाँ पे माइनस 10 होगा, b देखो माइनस 10 है ना, इंटू एक्स प्लस a इंटू b, यानी a कितना यहाँ पे 8, b कितना माइनस 10, है ना। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ना बेटा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 2 होगा, तो माइनस 2x, और 8 इंटू माइनस 10, है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8 ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो है माइनस होता है, तो ये माइनस 8 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो ना, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये लिखा हुआ 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 5, है ना। तो आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, पहले 3x को मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 5 से, ना,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 3x मल्टीप्लाई का मतलब होता है मतलब ब्रैक लगा देना, तो 3x-5 फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये पूरा, तो ये लिखा जाएगा प्लस 4 इंटू 3x-5, है ना। आप अपने तरीके से बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 और x × x x² है ना, तो ये बनेगा 9x² फिर 3x को मैं -5 से करूंगा तो -15x आएगा बेटा ना। ये अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है बेटा तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर प्लस है ना, ये प्लस का साइन आएगा, फिर 4 × 3 12x, फिर 4 × -5 -20 है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा 9x² -15 + 12, एक्स साथ में है तो -15 + 12 जो है ये कितना होगा बेटा, -3x होगा, यानी -3x - 20 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है y² + 3y2 मल्टीप्लाइड बाई y² - 3y2, ठीक है बेटा, एक तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी बताई थी, जैसे कि इसको ना आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ये लिखा हुआ है ना बेटा, अगर ये लिखा हुआ है इसको ऐसे मान सकते हो आप थोड़ी देर के लिए भी, x + a × x - b है ना, एक्स जो ये होगा y², ए जो है 3/2 है, यहाँ पे x y² है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x + a - इसको a ही लिख सकते हो ना, तो x + a × x - a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - a² है ना, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो चाहे ना x + y × x - y, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो x² - y², ये जो है थर्ड आइडेंटिटी थी जो मैंने बताई थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, y स्क्वायर है, और a की वैल्यू है 3/2, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x² यानी y का स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस जो है 3/2 का स्क्वायर है ना। बस ये बात यहाँ पे भी y स्क्वायर दे दिया ना x की जगह पे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जो है पावर मल्टीप्लाई में होती है ना बेटा, तो लिखा जाएगा y की पावर 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये 9/4 आएगा, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से ये क्वेश्चन करने, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका हो गया। फिफ्थ देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 3 - 2x × 3 + 2x, तो यहाँ पे भी वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, x - y × अगर x + y लिखा हुआ ना बेटा, तो आप कंपेरिजन करोगे जनरल आइडेंटिटी से ना, x यहाँ पे 3 है और y जो है वो 2x है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, x² - y², तो मैं जो है वो 3 - 2x × 3 + × मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और ब्रैकेट, इनका मीनिंग एक ही होता है बेटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पहले x² यानी 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और साथ में 2x का होल स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर सबको पता 9 होता है, -2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ओवर x² होते है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको ये लिखा हुआ है बेटा, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली ना, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इवन कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, बट जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो ना बेटा भी आपको आइडेंटिटी का यूज करना है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी का यूज करोगे सिंपली ना बेटा, जैसे 103 लिखा हो सकता है, कल को 105 भी हो सकता है, 107 जैसे लिखा हुआ है, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो इनको ना 100 के अराउंड ब्रेक करना होता है ना, जैसे मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 3 और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 7 है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये क्या लिखा हुआ बेटा, x + a × x + b ना, अगर आप ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है x + a × x + b जो कि इक्वल होता है x² + a + b × x + b² है ना, ये आपको सॉरी प्लस ए बी, ठीक है बेटा, ऐसा लिखा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 + 3 × 100 + 7 जो किसके इक्वल होगा बेटा, 100 का स्क्वायर है ना, यानी x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर का मीनिंग है 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना,
100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए यहाँ पे कितना 3 है, बी कितना बेटा 7, तो ए प्लस बी का मतलब है 3 प्लस 7 है ना, इंटू एक्स कितना यहाँ पे 100 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7 इंटू, और मल्टीप्लाई का मीनिंग एक होता है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 100 का स्क्वायर है ना, 100 के साथ अगर दो जीरो है ना बेटा, तो दो जीरो और लग जाएंगे इसके साथ ना, 10 की पावर 2 भी बोलते हैं इसको, तो 10 की पावर 4 होगा ना, प्लस 3 प्लस 7 बॉडमास रूल आपको पता होगा, अभी पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये होगा 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 इंटू 7 21 हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा तो कितना आंसर आएगा इसका, 11021, यानी इसका प्लस करना है बेटा आपने ना, सिंपल प्लस कर देना। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा ना, अब 95 लिखा है ना बेटा, तो आप 100 के अराउंड अगर इसको ब्रेक करो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100-5 और 100-4। अब ना कई बच्चों के दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी भी 100 के अराउंड ही क्यों ब्रेक किया जा रहा है ना, क्योंकि 100 की पावर अगर 2 हो 3 हो 4 हो तो आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, इसको इजीली एक्सपेंड भी कर सकते हो ना, तो ये लिखा हुआ x माइनस ए x माइनस बी ना, x माइनस ए इंटू x माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको अगर आप कंपैरिजन करो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इजीली ना, तो 100 का स्क्वायर है ना, तो पहले आएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं प्लस है ना, ठीक है बेटा, या फिर आप ना इस तरीके से सोचा जा सकता है भी, इसको आप ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान सकते हो भी 100 प्लस माइनस 5 है ना, ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस माइनस 4 है ना, ये माइनस 4 लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये लिखा हुआ है बेटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी है ना, ये होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है माइनस 5 है ना, बी की वैल्यू माइनस 4 और एक्स की वैल्यू है 100, तो अगर इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो प्लस ए बी यानी माइनस 5 इंटू माइनस 4। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 100 की पावर 2 यानी 100 स्क्वायर कितना होगा, 40 आ जाएगी बेटा, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, तो ये आएगा माइनस 900 है ना, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 20, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा यानी प्लस माइनस पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 9120। ये प्लस माइनस करना है बेटा आपने, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखा हुआ 104 इंटू 96 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो 100 प्लस 4, 96 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 4, एक ही बात है। तो ये अगर इसको ध्यान से देखा जाए ना बेटा, तो ये लिखा हुआ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, जो कि सभी को आपको याद होना चाहिए, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, जो कि लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा बेटा है ना, 4 टाइम 0 आएगा माइनस 4 का स्क्वायर जो कि आएगा 16, ये किसके इक्वल होगा बेटा 9984, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने आइडेंटिटी का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना, फैक्टराइज करना, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी है ना, इनको फैक्टर बनाने है ना, यानी आपको ना एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है, फैक्टर में ब्रेक करना ना, यानी आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना अच्छे से भी, हाँ ये किसका स्क्वायर है, यानी इसको अगर ध्यान से देखा जाए ना तो एक आपको आइडेंटिटी याद आएगी, जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है बेटा, तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को मैं कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा ना, तो 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस
टू ए बी है ना, टू इंटू थ्री एक्स इंटू वाई ऐसा लिखा जा सकता है, जो कि सिक्स एक्स वाई होगा प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ना, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपको पता था भी, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ना। ये आपको यानी उल्टा आपको पूछा बेटा, यहाँ पे ना एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी थी, फैक्टर बनाने थे ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन। अब अगेन वही वाली यहाँ पे प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो फोर वाई स्क्वायर है तो ये होगा टू वाई का होल स्क्वायर, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा ना। माइनस फोर वाई तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस टू इंटू टू वाई प्लस वन। अब वन का स्क्वायर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे वन का क्यूब कर दो चाहे वन के पावर फोर कर दो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, बस ये आपका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपली ऐसे करना क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सिंपली आपने ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हंड्रेड है तो आप वाई अपॉन टेन का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ये एक ही तो बात है बेटा ना, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स प्लस वाई बाई टेन इंटू एक्स माइनस वाई बाई टेन। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा ना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, यानी आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है। अगर आपको याद हो भी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड सॉरी प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स है ना। ये आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी लास्ट वीडियो, एक बार फिर मैं बेटा लिख देता हूँ ना, कई बच्चों को याद भी नहीं होगा। यानी अगर मैं इसे एक बार फिर बता देता हूँ कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर लिखा होता तो ये आइडेंटिटी थी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। बस अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्स की जगह तो एक्स ही है, वाई की जगह टू वाई हो गया और जेड की जगह फोर जेड। तो अगर मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही आएगा और वाई की जगह पे कितना आएगा बेटा, टू वाई ना। यहाँ पे टू वाई का स्क्वायर जेड की जगह पे आ गया फोर जेड का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे टू वाई है ना। तो टू एक्स वाई लिखा है मैंने एक तरीके से, टू वाई जेड, तो वाई की जगह पे टू वाई आएगा और जेड की जगह पे फोर जेड है ना बेटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज कर दिया उन्होंने आइडेंटिटी के लिए, टू जेड टू जेड की जगह पे फोर जेड और एक्स की जगह पे तो एक्स ही रहेगा। अब इसको बट आप सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा टू वाई का स्क्वायर यानी फोर वाई का स्क्वायर, फोर जेड का स्क्वायर यानी सिक्सटीन जेड का स्क्वायर है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो जरा, ये बनेगा फोर एक्स वाई, ये टू इंटू टू फोर इंटू फोर सिक्सटीन वाई जेड प्लस टू इंटू फोर कितना होगा बेटा, एट जेड एक्स लिख दो चाहे एक्स जेड लिख दो ना, एक ही बात है बेटा। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा इसका, प्लस एट जेड एक्स। ठीक है, अब अगर कल को जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है अगर माइनस आ जाए ना, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सिंपली बस ये ऐसा लिखा हुआ है कि टू एक्स प्लस लिख सकते हो और वाई की जगह पे माइनस वाई आएगा, जेड की जगह पे जेड एज इट इज। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा जाएगा, बड़ी ब्रेक लगाई मैंने। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी माइनस वाई, यानी वाई की जगह पे बस माइनस वाई आ गया ना, प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई की जगह पे माइनस वाई होगा प्लस टू वाई जेड यानी वाई की जगह पे माइनस वाई, जेड की जगह पे जेड प्लस टू जेड एक्स। जेड और एक्स तो चेंज नहीं हुआ, वाई की जगह पे बस माइनस वाई आया, बट हाँ एक्स की जगह पे यहाँ पे टू एक्स था ना बेटा, x की जगह पे 2x था, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2x की जगह पे ना यहाँ पे 2x आएगा बेटा। ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे 2x आएगा, x2 लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, 2x का होल स्क्वायर ये होगा 4x स्क्वायर
माइनस वाई का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना बेटा, माइनस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू इंटू टू फोर, और माइनस का साथ में आएगा साइन, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस फोर एक्स वाई। ठीक है बेटा, अब टू इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो ये बनेगा माइनस टू वाई जेड। अब ये टू इंटू टू फोर, तो प्लस फोर एक्स जेड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से टू वाई जेड प्लस का आएगा बेटा इधर साइन। ठीक है, टू इंटू टू फोर जेड एक्स, यानी जेड एक्स लिख दो चाहे आप एक्स जेड लिख दो, एक ही बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप टू इंटू थ्री करोगे तो सिक्स आएगा, और थ्री इंटू टू करोगे तो भी सिक्स आता है ना। अगर कुछ बेटा आपने कुछ ये क्वेश्चन जो है खुद भी ट्राई कर लिया ना, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना हायर, थोड़ा आपने इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, एक्स की जगह पे जो है वो माइनस टू एक्स आ गया, वाई की जगह पे कितना आया बेटा थ्री वाई है ना, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो, और जेड की जगह पे टू जेड हो जाएगा। तो आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं है भी एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस टू एक्स है ना, यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो एक्स का स्क्वायर यानी माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी टू जेड का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है ना। जो आइडेंटिटी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा ना, टू एक्स यानी एक्स की जगह माइनस टू एक्स, वाई की जगह पे थ्री वाई प्लस टू वाई जेड है ना, वाई की जगह पे थ्री वाई, जेड की जगह पे टू जेड प्लस टू जेड एक्स, यानी जेड की जगह पे यहाँ पे टू जेड है और एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस टू एक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर जो होगा फोर एक्स स्क्वायर, थ्री वाई का स्क्वायर यानी नाइन वाई स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर यानी फोर जेड स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है प्लस टू इंटू टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, और माइनस का साथ है तो माइनस आएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स वाई, टू इंटू थ्री सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई जेड। अब ये प्लस टू इंटू टू कितना है फोर, फोर इंटू टू एट, साथ में माइनस का भी साइन आएगा ना बेटा, माइनस एट जेड एक्स। तो प्लस को अगर मैं माइनस से, कई बच्चों को अभी भी दिक्कत हो सकती है, मैं बता दूं एक बार भी, प्लस इनटू प्लस मैं करता हूं तो प्लस आता है बेटा ना, प्लस इनटू यानी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो भी माइनस आएगा, माइनस इनटू प्लस करूंगा तो भी माइनस आएगा, और माइनस इनटू माइनस करूंगा तो प्लस आएगा ना। ये आपको मल्टीप्लाई में आपको याद होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना ना। यहाँ पे थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी, यहाँ पे ए और बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना, एक्स वाई जेड की जगह पे अगर ए बी सी लिख दिया या थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी लिख दिया, तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, थ्री ए प्लस है ना माइनस सेवन बी, ब्रेक लगा दिया मैंने, प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, ये की बात है बेटा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस जो है वो माइनस ही होता है, माइनस सेवन बी लिखा हुआ है। तो अब ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी एक्स जो है वो है थ्री ए, वाई जो है वो है माइनस सेवन बी, और जेड जो है वो है माइनस सी। अब आइडेंटिटी का अगर यूज करूँगा मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा ना, एक्स का स्क्वायर है ना, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, यानी थ्री ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस सेवन बी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो एक्स यहाँ पे थ्री ए बेटा, थ्री ए, वाई कितना बेटा माइनस सेवन बी, माइनस सेवन बी प्लस टू वाई जेड, वाई कितना माइनस सेवन बी, जेड कितना बेटा यहाँ पे माइनस सी प्लस टू जेड एक्स, जेड कितना माइनस सी है, एक्स यहाँ पे थ्री ए है। तो बस आपने सिंपल ये मल्टीप्लाई करना है इसको, तो लिखा जाएगा थ्री ए का होल स्क्वायर यानी नाइन ए का स्क्वायर माइनस सेवन बी का स्क्वायर जो होगा प्लस फोर्टी नाइन बी स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर यानी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यानी मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, टू इंटू थ्री सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू है ना, तो माइनस फोर्टी टू ए बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस का आएगा टू इंटू सेवन फोर्टीन इंटू वन,
तो 14 आएगा, 14 बी सी। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस आएगा इधर, 2 इंटू 3 6। ए सी लिख दो चाहे सी ए लिख दो ना, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये फोर्थ आपका जो क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ, माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर है ना। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा आप, है ना, क्योंकि एक्स की जगह पे कितना है माइनस टू एक्स, ये अपने आप करना है बेटा आपने। वाई की जगह कितना है फाइव वाई, और जेड की जगह पे माइनस थ्री जेड। इसमें आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, आप सोल्व कर सकते हो ना। सिक्स देखो बेटा, यहाँ पे वन बाई फोर ए माइनस ये है ना, डू योर सेल्फ, ये अपने आप करना है क्वेश्चन घर पे। सारे क्वेश्चन अगर देख देख के करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं अगर पता लगा नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो बेटा ना मैसेज करके। सिक्स क्वेश्चन देखो बेटा, वन बाय फोर ए माइनस वन बाय टू बी प्लस वन है ना, यहाँ पे लिखा वन बाय फोर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, x की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, ये आएगा वन बाय फोर ए, वाई की जगह पे कितना आएगा माइनस वन बाय टू बी, यहाँ पे माइनस है बेटा, और z की जगह पे वन। इन सभी की वैल्यू पुट करनी है आइडेंटिटी में, है ना। ये वाला भी ट्राई करना है बेटा आपने ना, ट्राई योर सेल्फ। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप नहीं सीखोगे बेटा कुछ भी, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करने आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं ना आपने, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट जो है फिफ्थ का, इसमें आपको ना एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है और इसको आपने कन्वर्ट करना है जो सिंपल फॉर्म है ना, ठीक है। एक्सपेंड करके लिख दिया, उल्टा पूछा क्वेश्चन, तो लिखा 4x का स्क्वायर है ना, तो ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है बेटा, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2x का होल स्क्वायर, 9y का स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर है ना, 16z का स्क्वायर। पर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो 16z का होल स्क्वायर जो है किसका स्क्वायर करूँ ताकि 16z का स्क्वायर आए, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है इन दोनों के साथ, z के साथ जो है वो माइनस आ रहा है, x और y के साथ तो प्लस है, बट z के साथ जो है बेटा माइनस आ रहा है अगर ध्यान से देखा जाए ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 4z का स्क्वायर, ठीक है, इन्हें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो प्लस कितना होता था 2xy है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू 3y। उल्टा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे ना, ये लिखूंगा तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 ये 12xy आ जाएगा ना बेटा, फिर 2xy लिख दिया मैंने तो प्लस लिखा जाएगा 2yz है ना, y कितना यहाँ पे 3y, z कितना बेटा यहाँ पे माइनस 4z प्लस 2zx, तो z कितना है माइनस 4z है, x कितना है यहाँ पे 2x। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, तो माइनस भी साथ में आएगा, यही आपका वैल्यू यही रहेगी ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ ना बेटा, ये लिखा हुआ 2x प्लस 3y माइनस 4z है ना, यहाँ पे माइनस 4z आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे z के साथ माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे z के साथ माइनस आएगा, ये आपका आंसर होगा बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो जरा, इसमें ना यहाँ पे देखा जाए तो x के साथ माइनस आ रहा ना बेटा, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस टू रूट टू एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन को ना आपने तरीके से करना है, उसमें ना ओनली माइनस था, एक माइनस था, यहाँ पे दो माइनस आ रहे हैं ना बेटा, ये एक एक्स वाई के साथ आ रहा है, एक एक्स जेड के साथ आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये भी एक्स पॉजिटिव हो सकता है और वाई और जेड दोनों नेगेटिव होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई के साथ माइनस आया है और एक्स जेड के साथ आ रहा, ठीक है बेटा। तो वाई के साथ जो है वाई और जेड पक्का नेगेटिव होंगे दोनों, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव जो है वो प्लस आ रहा है ना। ये थोड़ा आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको सोचने पड़ेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर है ना, तो किसका स्क्वायर करूँगा, अगर रूट टू का स्क्वायर करूँगा तो 2 ही आएगा ना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस y का, तो मैं माइनस y लूँगा प्लस 8z का स्क्वायर है ना, 8z का होल स्क्वायर। तो 8z को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, मैं अगर मैं 2 रूट टू लिखूँ, 2 रूट टू z है ना, साथ में माइनस लिखूँ,
इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना बेटा 2√2 का, तो 8 आएगा ना। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत सीखा होगा बेटा। इसके साथ आप ऐसे लिख सकते हो, ये -2√2 का जेड स्क्वायर लिखा मैंने, +2 √2x -y ना। ये वही वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ बेटा, +2 -y -2√2z ना, ठीक है बेटा, +2√2x -2√2z। देखो मैंने यहां से देख लिया ना, क्योंकि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और ये z की वैल्यू होगी ना पक्का। और ये माइनस इसलिए लगाया, अभी यहां पे भी माइनस आ रहा है, यहां पे भी माइनस आ रहा है ना, तो y z दोनों नेगेटिव होंगे पक्का, ठीक है। तो y और z दोनों नेगेटिव है, तो यहां पे मैंने इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये लिखा हुआ है एक तरीके से x² + y² + z² है ना। तो x की वैल्यू कितनी है, √2x -y आएगा इधर, और -2√2z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द फॉलोइंग, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा ये एक्सरसाइज 2.5 का, और राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्सपेंड करना है इनको ना सिंपल, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी बताई थी भी, x + y का होल क्यूब क्या होता है बेटा, x³ + y³ + 3xy (x+y) ना। ये बार बार लिख के नहीं बताऊंगा बेटा मैं ना, पहले वाली जो है आइडेंटिटी आपको याद करनी है। तो x³ यानी 2x³, यहाँ पे x कितना बेटा 2x है, y कितना 1 है, तो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे x जो है वो 2x है और y जो है वो 1 है। ये आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है बेटा, +1³ है ना, यानी y कितना 1 है, +3xy यानी x की जगह पे 2x और y की जगह पे 1, ब्रैकेट में आएगा x + y है ना, यानी 2x + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा आप, ये 2x³ कितना होगा बेटा, 8x³ + 1³ 1 होगा, +3 × 2 6x (2x+1) है ना। तो ये बनेगा 8x³ + 1 +6 × 2 12 और x × x x² 12x² + 6x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2a - सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सिक्स क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है बेटा 2a - 3b का होल क्यूब है ना। अगर याद कराऊँ मैं आपको तो x - y का होल क्यूब क्या था, x³ - y³ - 3xy (x-y), तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो x की वैल्यू कितनी है 2a, y की वैल्यू कितनी है 3b, तो ये x की जगह पे और y की जगह पे 3b पुट करना है आपने। तो अगर मैं पुट करूँ तो ये बनेगा 2a³ - y यानी 3b³ -3xy है ना, x कितना है 2a, y कितना है बेटा 3b, x - b यानी 2a - 3b। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 2a³ कितना होगा, 2³ 8 a³ -3b³ यानी 27b³ -3 × 2 6 × 3 18 -18ab, a और b मल्टीप्लाई होकर ab, यानी वेरिएबल जो मल्टीप्लाई करते हैं वो एज इट इज रहते हैं ना, साथ में आएगा 2a - 3b। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 8a³ - 27b³ -18ab को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 18 × 2 36 a × a बेस इक्वल पावर 8 यानी a² b साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 18 × 3 54 a b × b जो b², ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, ठीक है। सिक्स्थ का ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड है ना, इसमें भी आइडेंटिटी का आपने यूज करना है बेटा। ये लिखा हुआ 3/2 x + 1 का होल क्यूब है ना, तो मैं बता दूं भी x + y का होल क्यूब क्या होता है बेटा, फिर लिख रहा हूँ मैं x³ + y³ ये आपने खुद ट्राई करना है बेटा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आप खुद करोगे। यहाँ पे x की जगह पे कितना आ जाएगा 3/2 x और y की जगह पे 1, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना, खुद करोगे बेटा, ट्राई योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना बेटा सिंपल। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगा, x - y का होल क्यूब, x तो x रहेगा बेटा, y की जगह पे 2y/3 को सिंप्लीफाई करना है, ये ट्राई करना है बेटा आपने दोनों क्वेश्चन खुद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवन्थ,
इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का यूज करना है, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा बट इसमें क्या करना है. 99 को आप लिखोगे 100-1, पहले भी बता चुका हूँ मैंने. अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करोगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई. तो अगर यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूँ तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 100, y की वैल्यू कितनी है बेटा 1. तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 100 पुट करूँ तो 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी y की वैल्यू 1 है, माइनस 3. x की जगह पे 100 और y की जगह पे 1. ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई, x माइनस वाई यानी 100 माइनस 1. तो 100 की पावर 3 कितना होगा बेटा, यानी अगर पावर 3 है तो इसके साथ ये है 10 की पावर 2 है ना, तो 6 जीरो आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, 3 इंटू 100, 300, 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 99 है ना. आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 99 की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 माइनस 1 है ना, एक ही बात है ये. इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 00000 माइनस 1 माइनस 300 इन 200 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 300 है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई किया. जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आएगा 97029, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली इसको आपने सोल्व करना है 100 प्लस 2 का होल क्यूब. आइडेंटिटी यूज करनी है, ये भी खुद ट्राई करना है बेटा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये है 998 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1000 माइनस 2, सबको पता है पावर 3. आइडेंटिटी का यूज करो बेटा x माइनस वाई का होल क्यूब है ना, तो x यहाँ पे कितना होगा 1000 और y कितना होगा यहाँ पे 2, ये भी आपने ट्राई करना है बेटा क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन, ठीक है बेटा. एट्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपने, फैक्टर बनाने हैं बेटा, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है किसी क्यूब की है ना, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² तो एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे आपने अगर ध्यान से देखा जाए ना बेटा, अगर इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है किसी का क्यूब प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² है ना. इससे कुछ आपको याद आया होगा, ये जो लिखा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² है ना, ये x प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल होता है बेटा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था. तो आपने चेक करना है 8a³ किसके इक्वल होगा बेटा, 2a की पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है आपको पता है, प्लस b³ यानी b का होल क्यूब, तो a और b यानी x और y मुझे मिल गया, प्लस 3 जो कि लिखा हुआ है x² है ना, 3x² यानी 2a² b है ना, प्लस 3xy² यानी x कितना है यहाँ पे 2a b का स्क्वायर. तो अगर ध्यान से इसको देखो ना बेटा, तो ये लिखा हुआ है x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², तो ये होगा 2a प्लस बी का होल क्यूब के इक्वल, ठीक है बेटा. फैक्टर बनाने थे, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है बेटा. सेकंड पार्ट देखो, एट्थ का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे माइनस आ रहा है, मुझे साफ साफ पता लग रहा है अभी, ये होगा 2a का क्यूब है ना माइनस b³ माइनस 3a² b है ना, 3a² b, a कितना बेटा यहाँ पे 2a का स्क्वायर, b आएगा यहाँ पे बी एज इट इज, प्लस 3a² ab² है ना, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 3 × 2 = 6 होगा ना बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस बी का होल क्यूब. उल्टे क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आइडेंटिटी दिमाग में होगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड 27, यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है, बस इनको देख के आपको आइडिया लग जाएगा भी यहाँ किसी का क्यूब है ना, क्योंकि पावर 3 होती है तो टोटल 4 टर्म आती है बेटा ना, पावर 5 होती है तो 6 टर्म आती है, अगर पावर 2 होती है तो 3 टर्म आती है बेटा ना, एक टर्म ज़्यादा होती है.
तो 27 ये किसका क्यूब होगा, यानी 3 का क्यूब होता है माइनस 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5a की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 जो 125 होता है माइनस 3a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू b कितना यहाँ पे 5a। अगर 3 की पावर 2 9 इंटू 3 27 इंटू 5 करूँगा तो 135 आएगा प्लस 3a b स्क्वायर है ना, तो a b यानी 5a का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो लिखा हुआ 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। फोर्थ भी आप समझ जाओगे ना, 64a क्यूब यानी ये 4a का क्यूब होगा, ठीक है, माइनस 27 यानी 3b का क्यूब होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ एक्स और ये वाई, माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो एक्स कितना 4a, इसको देख के लिख लो, बी कितना 3b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना यहाँ पे 4a, बी कितना 3b का स्क्वायर। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, 3 की पावर 2 9 इंटू 4 36 इंटू 3 108 आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा ना। फिफ्थ लास्ट पार्ट है बेटा, इसको आपने ट्राई करना है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, जो अभी मैंने समझाया है, अगर आपको समझ में आया तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप मुझे पूछोगे। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, ये 27 है तो ये 3p की पावर 3 ऐसा लिखा होगा। ये 1/2 16 किसके इक्वल होगा बेटा, यानी 6 की पावर 3 करता हूँ तो 216 आता है, 216 है ना, तो ये 1/6 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, माइनस 3a 3x है ना, ये 3p लिखा हुआ है का स्क्वायर इंटू वाई यानी 1/6, फिर लिखा जाएगा बेटा प्लस 3, साथ में क्या लिखा जाएगा बेटा 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। आप तो बस स्टार्टिंग वाली दो टर्म देख लो बेटा, है ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा भी x y क्या है, उसके बाद x³ - y³ - 3x² y + 3xy² आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, जो कि लिखा हुआ है 3p - 1/6 का होल क्यूब। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो यही आंसर आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नाइन्थ में सिंपल क्या करना, आपने वेरीफाई करना है ना, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी भी यूज होती है बेटा ना, ये एक आइडेंटिटी उन्हीं से बनी हुई है, यानी कि वेरीफाई करना। तो फर्स्ट पार्ट बताऊंगा, सेकंड आप खुद करोगे। फर्स्ट में देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है x³ + y³, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड है x + y (x²) - xy + y² है ना। तो अगर वेरीफाई करने का मीनिंग है, आपने चेक करना है भी यार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या ना, तो मैं सिंपली ऐसे करूंगा, पहले x को ना मल्टीप्लाई करो x² से, तो मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस इक्वल पावर 8, इसकी पावर 1 होती है बेटा, लिखा नहीं जाता, तो ये बनेगा x³, बेस इक्वल होगा तो पावर 8 होगी ना बेटा। फिर मैं करूंगा x को xy से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -x²y, फिर x को y² से ना, पहले मान लो मैं x को सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा +xy², फिर प्लस, फिर y को करूंगा, फिर yx² माइनस आएगा इधर y(x)y, तो -y²x, फिर y(y), तो +y³। अगर मैं इसको अगर ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये x²y और ये x²y एक ही बात है बेटा, आगे पीछे लिख रखा है, ये दोनों कैंसिल होगी, xy² और y²x है ना, एक ही बात है बेटा, xy² लिख सकता हूँ, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस का साइन है तो ये लिखा हुआ है x³ + y³ विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है, ऐसे ही वेरीफाई करने है बेटा क्वेश्चन, इस तरीके से करना है। सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे बेटा, पहले x को मल्टीप्लाई करो, मैं बता देता हूँ, x² से, फिर xy से, फिर xy² से ना, फिर y को मल्टीप्लाई करोगे यानी माइनस y के साथ, y को x² से, फिर y into y³, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे,
मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बेटा आपको, छोटी क्लास में आपने सीख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, टेंथ, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, 27, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है ना। जैसे कि मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी जिससे आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ऐसा लिखा जा सकता है ना इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x स्क्वायर वाई है ना, मल्टीप्लाई किया प्लस 3xy स्क्वायर, तो ये होता है बेटा x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं अगर सिंपली, अगर मैं इसको एक साइड में रखूँ ना, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल क्यूब, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, इधर ही आएगा तो माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा इस तरीके से ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ पे अगर मैं 3xy कॉमन लूँ तो ये बनेगा माइनस 3xy, अगर कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी ये एक और आइडेंटिटी बन जाती है। इसमें से अगर मैं x प्लस वाई को कॉमन लूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस के साथ ले रहा हूँ ना बेटा, तो माइनस होगा इधर माइनस 3x स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा बेटा ना, तो अगर मैं x प्लस वाई कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ना, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था बेटा क्वेश्चन, पर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको आना चाहिए। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है बेटा, माइनस 3xy, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको आप x प्लस वाई और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 ना, तो माइनस xy आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, यानी ये वाला आपने नोट करना है बेटा फिर नोटबुक में, यानी अगर ये लिखा है, ये लिखा है या ये लिखा है, ये एक ही बात है बेटा, एक ही आइडेंटिटी है, तो ये लिखा हुआ है बेटा। मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ, टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, यानी कि कोई पूछ ले भी हाँ भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये होता है एक्स प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक और आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, एक्स इस जगह पे वाई है, तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3y का होल पावर 3 प्लस 125 को 5z की पावर 3, तो ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स की जगह पे क्या है बेटा 3y और वाई की जगह पे 5z। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z, एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी माइनस 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस 5z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो बनेगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9y स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 माइनस 15yz 15 है बेटा ये, प्लस 5z का स्क्वायर इन 25 का z का स्क्वायर है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से ना सॉल्व करना है बेटा आपने, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो है माइनस आता ना बेटा, अगर कल को यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन से बता रहा हूँ बेटा, कल को अगर ऐसा आ जाए ना बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, जैसे ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी है बेटा ना, जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके बताया ना बेटा, इसी तरीके से ये आइडेंटिटी होती है। तो 64m क्यूब है ना, तो 64 किसका क्यूब होगा बेटा, 4 का, यानी 4m क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होगा, 343
सेवन का क्यूब होगा बेटा, सेवन एन की पावर थ्री, तो x की जगह पे 4m आ गया और y की जगह पे 7n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4m माइनस 7n मल्टीप्लाइड बाय 4m का स्क्वायर, ठीक है 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी 4m इंटू 7m प्लस y का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4m माइनस 7m, 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28mn यानी 49m स्क्वायर। ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन, फैक्टर बनाने हैं बेटा आपने, फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है ना, ये लिखा हुआ एक तरीके से, ये वही वाली आइडेंटिटी का यूज करना है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है ना। ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी लास्ट वाली वही यहाँ पे यूज होगी, तो 27 की जगह पे मैं आप ऐसे लिख सकते हो 3x की पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बना, ठीक है माइनस 9xyz यानी माइनस 3 इंटू 3xyz ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बस इतना सा चेंज है, अभी x की जगह पे 3x आ गया, तो आप लिखोगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी सेम वही जनरल आइडेंटिटी है बेटा, एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी 3xy माइनस वाई जेड एज इट इज माइनस जेड एक्स यानी 3xz, एक्स की जगह पे बेटा यहाँ पे 3x आ गया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन ऐसे करना था बेटा। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में क्या करना है, वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करना बेटा भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा क्या है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है, ये लिखा हुआ है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करना है बेटा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी याद होगी आपको, y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ऐसा लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्स वाई जरूरी नहीं है, वाई जेड भी हो सकता है जेड एक्स भी होता है, तो आइडेंटिटी का यूज करना है। यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है राइट हैंड साइड को 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर है ना, साथ में लिखा जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz एज इट इज, ठीक है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इन सभी में से जो है 2 कॉमन है बेटा ना, तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है, लिखा जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो ब्रैक में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ गया ना बेटा, तो माइनस 2 माइनस एक्स वाई बचेगा माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो किसके इक्वल होता है बेटा, ये आइडेंटिटी अगर ध्यान से देखो तो किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखना था मैंने।
लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया बेटा, ये तो वेरीफाई करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। मैंने सिंपली क्या किया है, ब्रैकेट को बस ओपन किया ना और सिंपलीफाई कर लिया, टू कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये इंपॉर्टेंट है बेटा ना, ये आपको याद भी रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी है ना, ये रिजल्ट है एक तरीके से ना। क्वेश्चन में दे दिया इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर जीरो है ना, ये आपको प्रूव करना है। क्यूब दे रखा है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड है ना, एक ही बात है। जेड को मैं राइट साइड में ले गया, अब मुझे पता है अभी प्रूव करना है ना, तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, क्योंकि मैंने प्रूव करना ना बेटा क्यूब का, तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये लिखा जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड की पावर 3 यानी क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है बेटा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस जेड का क्यूब क्या होगा, माइनस जेड का क्यूब क्या होगा बेटा, माइनस जेड क्यूब होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखना बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा है मैंने, तो अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पे देखा जाए ना, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है माइनस जेड है ना, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं, और यहां पे ना ये जो ऊपर लिखा हुआ x प्लस वाई ना, इसकी जगह पे मैं माइनस जेड पुट कर सकता हूं। तो पुट x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड इन अबव इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं ये वाली वैल्यू जो है बेटा ये यहाँ पुट करूंगा, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई की जगह पे मैंने माइनस जेड पुट कर दिया इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, तो ये बनेगा दिस इंप्लाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3xyz इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा इसको राइट में ना, तो ये लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्रूव करना था ना, लिखोगे आप हैंस प्रूफ ना, ये प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना बेटा, 13 क्वेश्चन में मैंने सिंपली क्या किया था, अभी ये गिवन था ना x प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू जीरो, तो जेड को मैं राइट साइड में लेके आया। अब x प्लस वाई की वैल्यू जो माइनस जेड है ना, अब क्यूब कर दिया दोनों साइड, क्यूब करने के बाद ये आइडेंटिटी यूज किया बेटा, x प्लस वाई की जगह पे मैंने माइनस जेड पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने ना एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना, यानी 12 का क्यूब 7 का क्यूब 343 जो होता है वो आप डायरेक्ट नहीं, 5 का क्यूब जैसे 125 होता है ऐसे नहीं करना, आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन को ना। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी, लेट एक्स की वैल्यू मान लो माइनस 12 है, वाई जो है वो 7 है, और जेड जो है वो अगर 5 है ना, तो आपको पता है भी अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की अगर बात करूँ, यानी तीनों का अगर मैं सम करूँगा ना बेटा, तो कितना आएगा बेटा, माइनस 12 और 7 प्लस 5 12, यानी माइनस 12 प्लस 12 जो है वो जीरो होगा ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है, तो पिछले क्वेश्चन में बताया था ना भी, अगर इफ x प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो होगा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होगा, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यानी कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के। 3x कितना बेटा माइनस 12, y कितना 7, z कितना 5, इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है जो कि आएगा माइनस 1260। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, x की वैल्यू 28 है बेटा, y की वैल्यू यहाँ पे माइनस 15 है, और z की वैल्यू माइनस 3 है।
अगर मैं x plus y plus z की बात करूं तो 28 माइनस 15 माइनस 3, माइनस 3 नहीं ना यहाँ पे, 13 है बेटा ना क्वेश्चन में, 13 है यहाँ पे, ये 13 आएगा यहाँ, 13 आएगा, 28 माइनस 15 और 13 है ना, माइनस के साथ करेंगे तो ये 28 होगा जो कि 0 है। तो अगेन ये किसके इक्वल होगा बेटा, यानी आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 होता है तो ये होता है 3xyz के इक्वल। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे 28 है, y की वैल्यू माइनस 15, जेड की वैल्यू माइनस 13। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करना आपने, ये आएगा 16380 है ना, ऐसे करना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बेटा, जब भी ना x प्लस वाई प्लस जेड अगर जब भी 0 आता है ना बेटा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सॉरी यहाँ पे जेड क्यूब लिखना था, इक्वल टू हो जाएगा 3xyz के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 15। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इनमें थोड़ा सा जो है कंसेप्ट होगा बेटा, क्यूब का या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 15th क्वेश्चन में क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। देखो ये सिंपल क्वेश्चन ये है, इस तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ पे ना एरिया दे रखा है ना, जैसे कोई भी अगर रेक्टेंगल होती है ना बेटा, ऐसे रेक्टेंगल अगर कोई है, अगर उसकी लेंथ अगर x है ना और ब्रेथ अगर y है, तो सबको पता है भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो होगा एक्स वाई है ना, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है आपको ना, डायमेंशन फाइंड करने हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, यानी इसके एक तरीके से सिंपल सी बात है इसके फैक्टर बनाने हैं ना आपने। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा आपसे ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25a² है ना, 25a² लिखा मैंने, तो 35 माइनस 35a प्लस 12 है ना, तो मैं इसको 35 को ब्रेक करूंगा, यानी मिडिल टर्म सप्लीट करनी होगी आपने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस 15 है माइनस 12 है 20 है प्लस 12 है ना, तो माइनस 15 और माइनस 20 जो है वो 35 होगा, प्लस का होगा ना बेटा। तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन लूँ, इनमें से मैं 5a कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रेक में क्या बचेगा, 5a माइनस 3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ना बेटा, यहाँ पे भी 5a माइनस 3 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 4 है ना। इस तरह से मैंने फैक्टर बना लिया, जैसे मिडिल टर्म को सप्लीट करते हो, तो ये लिखा जाएगा 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। जैसे क्वाड्रेटिक को बेटा सोल्व करना मैंने सिखाया था ना स्टार्टिंग में, मिडिल टर्म को सप्लीट करना ना, 35 को मैंने ब्रेक कर लिया 15 और 20 में, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 5a माइनस 3, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, 5a माइनस 4। इस तरीके से कौन, इस तरीके से आपने ट्राई करने हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। 15 का फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, जैसे सेकंड पार्ट लिखा हुआ है एरिया ना, एरिया आपको गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो सिंपली ये एरिया लिखा हुआ ना बेटा, मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, एरिया इक्वल टू है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो किसके इक्वल होगा, इसके भी अगेन फैक्टर बनाने हैं ना आपने, सोचना भी 13 को मैं कैसे ब्रेक करूं, ताकि जो है जिसका सम 13 आता हो ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 35y² प्लस 28y माइनस 15y है ना, आपने छोटी क्लासों में से सीखा होगा मिडिल टर्म को सप्लिट करना ना, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है ना, 5 तो कॉमन आएगा नहीं ना, 2 कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन लेंगे, तो 7y को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा 5y माइनस प्लस का आएगा बेटा प्लस 4। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना होता है। अब सोचना है अभी 5y को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 15y आएगा, तो माइनस 3। अब इस पूरे को कॉमन ले लो बेटा, तो ये बनेगा 5y प्लस 4, ये आएगा 7y माइनस 3। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, ये जो है एरिया है रेक्टेंगल का, तो डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ होगी 5y प्लस 4, और यहाँ पे विड्थ जो है
जिसको मैं बोलूँगा 7y-3। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं बेटा, सिंपल इसके फैक्टर बनाने थे। अब जो है आपका 2.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड होल हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, है ना, ये वॉल्यूम दे रखा ना। तो मैं एक बार फिर बता दूं, क्यूबॉइड जो होता है ना बेटा, इस टाइप का होता है क्यूबॉइड, है ना, ये जो है सॉलिड फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड। आप पढ़ोगे आगे, पूरा चैप्टर है बेटा इस पे, है ना। तो इसकी अगर लेंथ एक्स है, विड्थ वाई है, और हाइट अगर इसकी जेड है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि जो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा था या फिर ट्रायंगल की बात करूं, तो वो होती है प्लेन फिगर, है ना, 2D फिगर। और 16 इसमें एक क्यूबॉइड जो है वो 3D फिगर है ना बेटा, सॉलिड फिगर बोलते हैं इनको। यहाँ पे तीन डायमेंशन होंगे बेटा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक्स वाई जेड को, यानी यहाँ पे सिंपली आपने इतना नहीं सोचना, वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर बनाने हैं। यानी आपको बस इतने काम है, फैक्टर यानी इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3x को मैं कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 3x-12। अब और क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3, है ना। तो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-4। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू 3 इंटू x-4, ये की बात है बेटा ना। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबॉइड की, लेंथ होगी x और विड्थ जो है वो 3 होगी, और हाइट, है ना, हाइट कितनी होगी बेटा इसकी, होगी x-4, है ना। यानी इन क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा जाएगा अभी वॉल्यूम क्या होगा ना, आपको सिंपल फैक्टर बनाने थे, यानी डायमेंशन फाइंड करने थे। सेकंड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हुई है। फैक्टर बनाने के बाद आपको ये बताना भी, हाँ, लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगी ना। इसमें से देखा जाए 12, 8 और 20 में से, और k तो हर जगह है, तो k को कॉमन लिया जा सकता है, और 12, 8 और 20 में से 4 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा। तो मैं इसको, मैं 4k अगर कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा 3y-2, ठीक है, प्लस 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2y बचेगा, या 4k मैंने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया तो ये बनेगा -5k, 5, है ना, इतना लिखा जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20k ही आएगा ना बेटा। तो दिस इम्प्लाई 4k। अब इसके फैक्टर बना लो ना, 3 × 5 = 15 आएगा, तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 3y-2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -3y + 5y, है ना, ये मिडिल टर्म को सब्लिट कर दिया मैंने बेटा, -5, ये लिखा जाएगा 4k। अब इसमें से मैं अगर मैं फैक्टर लूँ तो 3y को कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा y-1, यहाँ पे भी y-1 लिख दूंगा तो +5 इधर आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म सब्लिट करना आप सीखोगे तरीके से बेटा। तो ये लिखा हुआ 3y + 5 लिखा बेटा (n)(y-1), तो इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्यों कौन से बने, एक तो 4k, एक बना y-1 और एक बना 3y+5। फैक्टर यानी मल्टीप्लाई करके लिखा, जैसे 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 होता है ना बेटा, इस तरीके से 3y+5। तो यहाँ पे लेंथ कितनी होगी बेटा, 4k, और ब्रेथ जो है वो होगी y-1, इसी तरीके से हाइट जो है 3y+5, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट, इस तरीके से बेटा आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपने ये खुद ट्राई करने हैं पहले क्वेश्चन। अगर ना समझ में आए ना बेटा, तब आप सोल्व करोगे या तब आप ट्राई करोगे देखने का सोल्यूशन, अदरवाइज आप खुद ट्राई करोगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो ना बेटा, तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।